हाँ बहन बहन, महाराज की आदेश है कि हमारे लिए जल भर कर लाओ, मैं स्नान करूँगा और स्नान करके मैं शिव बाबा की पूजा करूँगा। हाँ बहन ऐसा करो, हम सब साथ मिलकर यहाँ से गाते बजाते चलते हैं जल भरने के लिए। ठीक है चलो। अरे सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले लेकिन तुम अब आओ जा साथ ना।
चलते चलते थक गया है, खाना खाएगा क्या, पानी भी पिएगा? चलो ठीक है, लगता है तुम्हें भूख लग गया है, तुम्हें यहाँ पे कुछ खिला पिला देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है ना? चलो ठीक है, आओ कुछ खाना खा लो, इसी घाट पे पानी भी पी लेना, तुम चरी कर लो, मैं घूम कर देखता हूँ कि इस जंगल में, इस पनघट पे कोई मिलता है या नहीं मिलता है। अरे बहन, अरे हाँ बहन, बहन जल्दी पानी भर कर और चलो बहन, क्योंकि महाराज बहुत गुस्सेदार है, गुस्सा करेंगे। ठीक है बहन, जल्दी से पानी भर लो। क्या आज मैं दूसरे राज आ गया हूँ, घोड़ा पे चढ़ के चलते चलते घोड़ा को छोड़ दिया हूँ उस जंगल में चढ़ने के लिए, और चरी कर लेगा उसके बाद जाकर पानी पिला दूंगा इसी घाट पे, तब तक मैं भी कुछ देर इसका घूम घूम कर देखता हूँ आखिर कोई इस पनघट पे आता है या नहीं। आ घूम घूम देखबे होकर यही आजोर पान घाट पे, घूम घूम देखबे होकर यही पनघट पर कोई ना नजरिया हो या भाई जोर पान घाटा पा, सुन ले बे हो कर भाई आ घूम घूमिया, आ घूम घूमी देख बे हो कर यही जोर जंगला। अरे हाँ बहन, मैं तो सुन रही हूँ, जरा चल के पूछो। हाँ बहन चलो। अरे बहन, अरे हाँ बहन, पानी से पहचान रहे हो ना? हाँ बहन, वो फुलवारी में जो आए थे। अरे पूछा जाए, आज हमने ऐसा कौन सा उसको कसूर किए हैं जो आज मेरी डगर रोक रही? बहन तुम ही जाकर पूछो। ही महाराज, हो ये पहले बताइए, आज ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो मेरी डगर रोक रहे हो? हमें क्या कौन सी आफत आएगी, हमें तो कोई आफत नहीं आई हुई है। ये बताओ तुम किसके पूछकर इस पनघट में पानी भरा रहे हो? मैं तो अपने मामा माहिल महाराज से पूछ कर आई हूँ जल भरने के लिए। अरे वाह, मैं तो 700 मालिन उन्हीं का हूँ। 700 मालिन? हाँ मामा माहिल कहो तुम। हाँ मैं 700 मालिन नित दिन उठ कर इस नदी में आते हैं और जल भर के अपने महाराज को लिए ले जाती हूँ। ए मालिन, ये बता कि तुम्हारी मामा कितनी साहूकार है जो 700 मालिन को रखती है? अरे बाप, हाय हाय, मेरे मालिक किसी से कम थोड़ी ना है। तो ये जाकर बता दे मालिक को कि तुम्हारे राज्य में कोई दूसरा आकर रहने वाला है, अगर तुम्हारा मालिक खैर चाहता है तो यह राज छोड़कर पुनः दूसरे राज चला जाए। क्या मैं लेकिन पानी भर कर मैं जाऊंगी? क्या पानी भर के मैं जाऊंगी? वैसे वापस नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ तू किस तरह पानी भरती है। अरे लाओ। ए, पानी भरेगी। हाँ। पानी भरेगी।
लो पानी भर लो। अगर ऐसे नहीं मानोगी तो खाने की मार खाने के लिए तुम मार खाने के लिए तैयार हो जाओ और अपने मालिक से जाकर कह दे कि इस पनघट पर भी वही आदमी आ गया जो कल हमें मिला था। तो ये ले, ये ले। भाग जा मेरे सामने से और जाकर कह दे मामा माहिल को कि वही राजन फिर हमारे राज में आ गया है। उसके बाद तुम्हारे मामा माहिल को पता चलेगा। मैं चलता हूं, अपनी घोड़े को इसी पनघट में पानी पिला दूंगा और घोड़े पे सवार होकर अपनी राज्य भवा को तैयार हो जाऊंगा। तुमको चरी किया हुआ हो गया ना, पानी पिएगा तो चलो इसी तालाब में पानी पी लो, थोड़ा सा पी लो, पी लो और पी लो पानी थोड़ा सा, क्योंकि राज भवा इस जंगल से बहुत दूर है। चलो घोड़े तैयार हो जाओ, अब यहां से उड़ान भरेंगे, राज भवा में रुकेंगे। आ जतरा बन भी यही हो भैया चोरे मोहब्बत, यही हो भैया बाबा के सचता कुशलिया बताई भाई चोरे पिताजी से घर बारे चल सतुता कुशलिया बताई भाई चोर पापा। अभी तक कोनो पाली पानी ले के नहीं अले लागे छे फेरो तो नहीं तबाह कल के छोड़ा गई माय के गई माय के कौन कौन करे छे की बोलो। हे महाराज, मैं जब भी आपकी बात मानकर मैंने गई तब तब हमारे साथ धोखा पानी हुआ। फेरो ही कैसे छोरा ही कैसे पानी के मटका फोड़ दल का। हाँ महाराज, आज मैं सब में 700 माली जब गई थी जल भरने के लिए तो फिर वही आकर पापी और मेरे 700 माली को मटके फोड़ दिए और बहुत सारा पिटाई भी किए हैं। और हे महाराज, वो बहुत ताने भरी बातें कहे हैं महाराज। क्या अगर तुम्हारे महाराज को सीने में तान है, जांग में बल है तो उसे बोल दो कि यहाँ से भाग जाए कहीं महाराज। भरू भाग ना दी। हाँ, हाँ, महाराज बताइए हम लोग कैसे रहेंगे। ठीक है, तोर जोत देखिए वकरा चंडला का वकरी वकरी तकरी क्या निक भाई हमरा सब ही कहीं पन भरने के सब मटका फोड़ दल के मालिक। अरे ये मलिनिया सबके पानी भरे ले भेज लिए। हाँ। कलिए स्नान करबे ओहि दिन तो फूल सब दलके ओकरा डाली ताली और नोच नोच दलके। हाँ। फूल डलिया और तोड़ दलके सबके मार पीट के भगा दलके। हाँ। कलिए रे कुटुंब के कहल तो कलके कुटुंब जी की होते आबे नहीं ते होइ छे आज दिन से एना नहीं होते। अनेक भाई आज देखै छिए फिर वह हाल के दलके पता होता सब छोड़ी का मटकी फेर दलके ना राय बेलमा के दलके राय बेलमा बढ़िया से जल्दी जाओ निक भाई के छोड़बा आए हम चल। हां चल कुटुंब जी जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। निक भाई तेले कुर्सी पर बैठ के मजा ले रहा है। निक भाई तोरी बहिन के तेले अहाक बाबू जी जलखानी कलखानी मेहमान कुर्सी पर से नीचा में नहीं बैठो वह द्वारे बैठे छे वही चल वही दिन कहल कि
एहन गलती हमर बेटा नहीं करते। आइयो देखे छे सब हमर मलिनिया सब मटकी पानी वाला फोड़ दल कई निक भाई ए बड़गई भाई गोसेल छे गोसेल छे कि भाई हिप पर बकाई भाई। अरे हे हे सुनो कुटुम अभी रुको। अरे बात बुझू ना रुको रुको कुटुम जी कथि कथि बोले गोसा हो राय बनवा क्या दल के मटका फोड़ दल के यौ दिना छौड़ा हरिन मार लेलो मलिनिया के एने उन्ने क्या दल के आई की कैलो यो तोहर बेटा जे छो रुद्वाल सब पानी भरनी के न जहि तहि नोच नाच कलकाय आ जत मटकी रहे न पानी वाला सब फोड़ के बर्बाद कर दलके। अच्छा आए बहिन चोद के पूछी एकरा खातिर हम अपना बेटा को मार दिए ए रे बहिन चोद तोरा खातिर अरे बहिन चोद तोरा खातिर हम अपना बल भर ले के दे दिए हमर बेटा छे रे आप हम बेटा वाला भेलिए दीपक छे रे बेटा वाला पिताजी ये जो कुटुंब जी कह रहा है किसको कुटुंब जी कह रहा है कैसा कुटुंब है ये हमारा। अरे की ये पदनी भाई गुंडा से लागे छे पिताश्री ये बुड्ढा तुम्हें कुटुंब जी कह रहा है या मुझे कुटुंब जी कह रहा है। अरे इन्हें सुन तो हमार भगना चाहिए निक भाई जी को के छियो तोरा पता नहीं छियो कौन है वो निक भाई तोहर पितिया भेलो चंडेला क्या सुन तोहर जे छौ राज मोहबा खातिर ओय में हिस्सा ले खातिर ही तोरा बाप के मारबे अदल को निक भाई ऐसी बात है तो मैं यह बात को नहीं जानता था कि मेरे पिताश्री को मरवा दिया है। तोहर बाप नहीं छो तोहर पितिया छो पितिया ककरो कोई नहीं हो छे आई निक भाई के नहीं देखे तोरा बाप के मुंड छपा दल को मारी सिंह के लगवा कभी बरगद के गाछ में तोहर बाप के मुंड टांगल होत जाए के देखी है तुमरा सिंह डेवरी क्या ऐसी बात है यह मेरा पितिया लगेगा मेरा चाचा श्री है ना ऐसा बात है रुदोल रे वही पत्नी भाई गुंडा के फेरा में की पड़े छे अरे कहिए क्या बात है रे आई बहिन चोद के बारे बीघा खेत बिक गए तोरा बाप के ब्याह में क्या ठीके है मैं तोहर बाप नहीं छियो पितिया छियो आई बहिन चोद के बारे बीघा खेत बिक गए नौलखा हार तोरा माय के दई में भाई गुंडा तोरा बाप के जम्मू सिंह के बेटा के बोलबे के दोस्ती कर के आ घेट कटबे दल को वह नौलखा हार के कुन्नो सजबे ले बाबू रे। हाँ चाचा श्री रे अखनियो हमरा भाई के मुंड ओ बड़गोज में काने छे क्या रे कोई ना रे जन्म महाबिया रे राज कोई ना जन्म रे करे मावल मुंड बाजार पहुंचा रे दादा ना बेरे राज को हवा में बाऊ रे हे चाचा श्री
अखनियो हमरा भाई के मुंड 12 बजे दिन आ 12 बजे रात के कहने छे क्या जे कोई नहीं जन्मले मोहबाक में जे हमर मरल मुंड के ये बोर में जे टांगल छे से ये मुंड के गाजा में जाए के हमर क्रिया संस्कार करो न कोई सिरसा में जन्मले सिरसा में मौसी रहे छो तोहर भाई छो मन मलखा सुलखा बज्र के कलेजा ओकरा छे तोरे नहीं तो वो वीर छे हमें बूढ़ छे हमरा से होते लड़ाई कहना हे चाचा श्री आप कहे आखिर वह कौन सा पापी है जो हमारा पिताजी को मुंड छोप कर और बरगद का पेड़ में लटका दिया है और उस पापी को सर धर से अलग ना किया तो पेड़ का नाम चंगी बदल नहीं आदरणीय श्रोतागण आप सबों से हम सब क्षमा मांगता हूं क्योंकि क्रिया कर्म का वक्त हो गया है और फिर रात इसी रंगमंच पर मैं आप सबों के सेवा करने के लिए ये अनुपम सेवा समिति की जितने भी पात्र हूँ सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। आप रात्रि 9 बजे से आप लोग हाजिर हो जाएं यहाँ और हम लोगों से आप प्रोग्राम को देखें। जय हिंद जय रघुपति राघव राजा रामपति प्रताप सीताराम जय रघुपति राघव राजा रामपति प्रताप सीताराम।